दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत करीब 150 लोगों को शहर की सीमा पर हिरासत में ले लिया। ये लोग लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक मार्च कर रहे थे। उन्हें शहर के सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शहर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है, लेकिन जब वे नहीं रुके तो सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जलवायु कार्यकर्ता ने अपनी हिरासत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी। वांगचुक ने पोस्ट में लिखा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली तक यात्रा कर रहे स्वयंसेवकों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आखिर सोनम वांगचुक कौन है, आपको यहां पर यह भी बता देते हैं। सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को अलची लद्दाख में हुआ था। वो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक रहे हैं। 1993 से 2005 तक वांगचुक ने लैंडेक्स मेलोग, जो लद्दाख की एकमात्र प्रिंटिंग पत्रिका की है, उसकी स्थापना की थी और संपादक के रूप में काम भी किया था। शिक्षा में मैकेनिकल इंजीनियर वांगचुक 30 से अधिक वर्षों से शिक्षा सुधार के काम कर रहे हैं और लगातार वो इस पर चर्चा में भी रह चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म 3 Idiots सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित रही है। इस फिल्म के बाद वो चर्चा में आए थे। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सोनम वांगचुक शिक्षा में सुधार और लद्दाख तथा देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वांगचुक ने कई आविष्कार भी किए हैं, जिनमें सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट, आर्टिफिशियल ग्लेशियर और समेत कई ऐसे डिजाइन हैं जिन्होंने उनका आविष्कार किया है। आखिर उनकी लद्दाख को लेकर इस वक्त क्या मांग है, एक बार आपको ये भी बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इससे वहां का विशेष दर्जा खत्म हो गया। केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण ने उन्हें विधायिका के बिना ही छोड़ दिया, जिससे वे स्वायत्तता से वंचित हो गए। लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना आंदोलनकारियों की मांग में शामिल रहा है। इसको लेकर लद्दाख के लोग 2019 से ही मांग कर रहे हैं। इसका नेतृत्व सोनम वांगचुक ही कर रहे हैं। इससे पहले वो मार्च में भी 21 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। बीजेपी ने साल 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में भी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची देने का वादा किया था। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। इस आंदोलन को लेकर सोनम वांगचुक की केंद्र सरकार से बातचीत भी चल रही थी, लेकिन वो कुछ समय पहले ही विफल हो गई थी। 26 अगस्त को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। इसे जोड़कर अब वहां पर कुल 7 जिले हो गए हैं। लेह और कारगिल के अलावा 5 नए जिलों का नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के पीछे इस आंदोलन को ही कारण बताया जा रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।